नमस्कार दोस्तों, आज 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार। दोस्तों जानते हैं एपीएमसी आजादपुर शिमला सेब मंडी खामपुर बॉर्डर ठीकरी खामपुर बॉर्डर पे। चलिए जान लेंगे यहाँ पर शिमला वाले सेबों का आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ी आती है। जो कि ये मंडी आजादपुर नहीं है, ये जीटी रोड नेशनल हाईवे कश्मीर टू कन्याकुमारी उसके ऊपर है। चलिए जान लेंगे आज का मंडी में क्या हवा है और क्या क्या रेट चल रही है। दोस्तों यदि आपको यहाँ से अच्छे माल चाहिए, वैसे मंडी 9 बजे चलती है, आपको यहाँ 8 बजे आना चाहिए। अब तो दोपहर के 12 बज गए। अभी मैं आजादपुर मंडी से वीडियो बना के आया सब्जी फ्रूट की और काफ़ी। तो यहाँ पर यदि आपको बढ़िया माल चाहिए तो 8 बजे आओ, अपने माल सेलेक्ट करो, जहाँ पर भी आपको अच्छा माल लगे उस दुकान पर खड़े हो जाओ। फिर जब उनकी 9 बजे बोली चले तो बोली दो 9 बजे, 9 बजे मंडी स्टार्ट हो जाती है। अब तो 12 बज गए, चलो वैसे रेट जान लेंगे आज के नॉर्मल रेट क्या क्या चले। दोस्तों बोलियाँ तो अब ख़त्म होगी, इक्का दुक्का दुकानों पर ग्राहक है, कम माल है। चलिए जान लेंगे ललितानंद भाई साहब से क्या कुछ आज का बाजार चला है, कहाँ कहाँ के माल आ रहे, कितनी गाड़ियाँ आ रही। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्ते भाई साहब जी। भाई साहब 12 बज गए, लेट काफी हो गया जी। कोई बात नहीं, फिर भी आपकी हिम्मत अभी है यहाँ पे पहुँचना जी, गर्मी में इतनी। हाँ जी, तो बड़ी हिम्मत है भैया। माल तो बोली तो 9 बजे शुरू होती है जी। हाँ, 9 बजे माल बिकने शुरू। तो जिनको अच्छे माल चाहिए यानी उनके लिए है की 8 बजे मंडी में पहुँच ले, अपना माल सिलेक्ट कर ले। भैया 8 बजे मंडी तो नहीं लगती है, बट कोई आएगा, कोई बारदाना देखेगा किसके पास क्या उतरा है क्या नहीं उतरा। हाँ, देख हाँ, सकता है। माल तो नहीं बिकेगा, माल तो 9 बजे ही बिकेगा भैया। तो 8 बजे आकर दुकान पे खड़ा हो सकता है कि ये माल लेना मुझे। ये माल पता लग जाता है, रेड गोल्ड है, रॉयल है, क्या चीज है। हाँ, अब जैसे ये बॉक्सेस हैं इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं अभी हमारे। हाँ, तो लोगों को वजन पता लग जाता है ना, क्या चीज है क्या चीज नहीं है भैया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले बताओ भाई साहब कितनी गाड़ियां आ रही है आजकल। भैया अराइवल बहुत है, हम तो यहाँ से निकल ही नहीं पाते, यहीं से ही अराइवल का पता लग जाता है भैया। अच्छा, अब आप शेड में घुसे, शेड में खड़े होने की जगह नहीं है हमारे खुद की। हाँ जी, हमने खुद भैया माल धांगों पे बेचे हैं, यहाँ से खोल के दिखा, ये दिखा, वो दिखा भैया। अच्छा जी, अराइवल फुल है जी। हाँ जी, अराइवल मतलब कितने प्लस गाड़ी होगी जी। फिर भी कोई आइडिया नहीं, बहुत बड़ी मंडी है भैया। हाँ जी, मैं आपको ए ब्लॉक में बता दूं 60-50-60-70 गाड़ी उतरी है। अब बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, कितनी गाड़ियां बीच में खड़ी हैं आप। यानी इनका फिक्स टाइम नहीं आने का। हाँ, गाड़ियां तो भैया देखिए ना, 9 बजे तक गाड़ियां आती रहती हैं। उस मंडी में हमारे को 5-5:30 बजे गाड़ी चाहिए होती थी भैया। हाँ जी, तो इसीलिए फर्क है भैया, यहाँ पे ड्राइवर्स को भी सहूलियत अच्छी है भैया। अच्छा जी, कि आराम से आ जाते हैं, फिर नो एंट्री नहीं लगती भैया, बॉर्डर के साथ बिल्कुल मंडी है भैया। हाँ, आगे कोई परेशानी नहीं है उनको। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। यानी शिमला से आने वाले उनका कोई पुलिस खर्चा कराया कहीं कोई, का भी कोई खर्चा नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है भैया। हाँ जी, ड्राइवर्स के लिए बड़ा सुख है भैया। अब देखो ना, अभी गाड़ी अभी तक उतर ही रही है ना भैया। हाँ जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माल तो बिक गया गाड़ियों। अच्छा, इसमें अंदाजा नहीं लगता गाड़ियों का कि कब तक आ रही है वो। हाँ, कुछ कोई आइडिया नहीं भैया। अच्छा, मैं आपको बोल दूँ 100 गाड़ियों, उसके बाद ही पता लगे 100 गाड़ियों और आ गई है भैया। अच्छा जी, अच्छा। तो अंदाजा तो है कि दुकानों पे यही रास्ता जी, सब दुकानों पे। आप देखो ना भैया, दूर दूर तक, पहले मैं लोगों का तो दिखाऊंगा, पहले हमारा ये वाला और ये हमारी। आपका तो देख लिया, ये बताओ ना सभी सब ब्लॉक ऐसे हैं, फिर तो ये लगा के चलो 200-250 प्लस हैं जी। जितनी भी गाड़ी होगी भैया, रश पूरा है भैया। हाँ जी, हाँ जी। चलो आज कौन कौन सा दिखाओगे जी फिर भैया? ये तो रॉयल। हाँ जी, जो नॉर्मल रॉयल चल ही रहा है भैया हमारा। हाँ जी, ये डब्बे है भैया। अच्छा, ये पिछली बार भी आपने देखा था, लोग कह रहे इतना डार्क कलर भी होता है क्या रॉयल के डब्बों का जी। हाँ जी, कलर का रंग देखिए भैया कितना। ये इतना ठंडा कैसे पड़ा जी? ठंडा तो भैया हाइट से आ रहा ना ऊपर से, आप कितनी ठंडा भैया, आप इसका प्रेशर देखिए भैया। अच्छा जी, ये सेब अंदर जाएगा तो अप्रैल मई में निकलता है भैया खाने वालों के लिए जी। अच्छा जी, अब ये स्टोर में चला जाएगा। हाँ जी, अभी आप इसको खाएंगे, स्टोर जाएगा या लोकल जो भी बेचे हमने तो यहाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आप इसको भैया इतना टाइट है, इसको खाएंगे आप कहेंगे यार दांत ही टूट गए मेरे भैया। बाकी यार इतना ठंडा पड़ा, देखो ना वो कैसी आ रही है भैया माल के ऊपर जी। तो अभी ये गत्ते के अंदर इसकी वो नमी बनी, मॉइस्चर, पूरा मॉइस्चर है भैया। अच्छा जी, फुल मॉइस्चर है। हमारे व्यापारी तो भैया ये दयाल धर्मा जी हैं जरोल के। हाँ जी, ये एसओ मार्क है इनका भैया। अच्छा, ये आज इनको 1 महीना हो गया भैया चलते हुए। हाँ जी, रोज आप पिछली बार भी आए तो इनके डब्बे दिखाए मैंने। हाँ जी, आज भी आए तो इनके डब्बे दिखाए, डेली ऐसा ही माल भैया इनका चल रहा है जी। अच्छा जी, ये अच्छा, भी आपने एक चीज दिखाई, एक सवाल करना तो और। हाँ जी जी, कि ये जो अब की बार मंदा है, ये वाला मंदा आपने कितने साल पहले देखा था जी? भैया मंदा देखिए, एक्चुअली पिछले साल ज़्यादा तेजी थी, पिछले साल हम जो यही जो डब्बे आज हम 700 रुपये, 650-600 या 750 के शिमला के, किन्नौर के नहीं भैया। हाँ जी, हम जो बेच रहे हैं ये पिछले साल बिकते थे 900 रुपये के भैया। अच्छा, 900-950 रुपये के। हाँ जी, 20% भैया हर चीज़ का बाजार डाउन है।
अच्छा जी, बहुत मतलब मेरे हिसाब से किसानों को बहुत नुकसान है भैया। अच्छा जी, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता भैया इस चीज। हाँ जी, आप समझिए, हम तो सिर्फ अपनी 2-4-5 गाड़ी में बता सकते हैं कि डिस्काउंट हुआ है। हाँ जी, पर किसानों को बहुत नुकसान है भैया। अच्छा जी, बट इसके उलट इस समय रेड गोल्ड की डिमांड अच्छी है भैया। हाँ जी, रेड गोल्ड 800 से 1100 रुपए बिक रहा है। प्लस ये जो पिछली बार मैंने आपको दिखाई थी भैया, वो 2 नंबर थी इनकी। हाँ जी, ये देखिए भैया, ये फर्स्ट नंबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही मैंने आपको बताया ना, रणवीर कराड़ जी हमारे व्यापारी हैं। हाँ जी, ये उनका माल है, आप देखिए क्या चीज़ है। वाह जी वाह, किस्मत है जी, जो खाएगा जिसको कहाँ पर पहुँचेगी। ये कहाँ के बंदे ले गए, किसने किया इसको? ये भैया, ये तो बहुत, कोई 20 डब्बे किसी के पास है, 30 डब्बे किसी के पास है, 40 डब्बे किसी के पास है। हाँ जी, हर जगह कोई ना कोई, जो जो जहाँ जा कोई ले जाए भैया। अच्छा जी, अच्छा। अब यही भैया 2 तरह का डब्बा, पर इसमें वजन 14-15-16 किलो निकल जाता है भैया। हाँ जी, इनके रेट भैया 1100 के आसपास होते हैं भैया। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, जब जो ग्राहक ले जाएगा वो, ये एक नंबर में गिनती है जी? हाँ जी 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 भैया। अच्छा, आप देखिए ना भैया क्या शाइन है और क्या चीज है। जो इसी का जो सेकंड नंबर है जी, उसका सेकंड नंबर कम आते हैं भैया। ये हमारे एक ही व्यापारी है, ये आपको बताया था ना, इनके पास ही बल्क में है। मेरे हिसाब से इस साल 2500 डब्बा निकला होगा इनका भैया, इसी चीज का जी। बिल्कुल 2500 डब्बा, और अभी तो रेगुलर चल रहा है मंडी में, तो काफी दुकानों पे हुआ है माल। ये कम है भैया। अच्छा। ये एक्चुअली इसका टाइम पीरियड पहले खत्म हो गया है। अच्छा। इसको रोकने के लिए बहुत स्प्रे करनी पड़ती है भैया। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है, सारे किसान मेहनत तो करते हैं, कोई किसान ऐसा नहीं है कोई मेहनत नहीं करता, आपके समेत। हाँ जी, हाँ जी, आप भी तो किसान हो, अभी तक आज तक किसी को आपने बताया आप यहाँ मंडी के रेट लेने क्यों आए हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी, आप इसीलिए आए ना कि आप भी एक किसान परिवार से हैं, माल बेचने आते थे। हाँ जी, हाँ लोग जी रेट पूछते थे, तो आपने कहा चल वीडियो बना के डाल देते हैं यार। हाँ जी, हाँ जी, चलो हाँ। क्या बताएं जी किसी को, नहीं लोगों को नहीं पता। हाँ जी, वो तो सोचते होंगे बस एक यूट्यूबर है वो आ गया। हाँ, उनको ये नहीं पता कि मैं आज बता देता हूँ लोगों को, राणा जी हमारे 93 से दिल्ली मंडी में अपना कोई भी फ्रूट सब्जी लेके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस आप सोचिए, वो सब्जी लाते लाते उन्होंने कहा किसानों का ही हम सबको रेट बता देंगे, तो ये अब इस लाइन में आ गए जी। और ये भी बड़ी शाबाशी है भैया, बहुत लोग तो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार का दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, आप तो बिल्कुल घर घर जो चीज लगने वाली है। हाँ जी, आज आप देखो ना, सेब है, पियर है, बच्चे से बच्चा खाता है भैया। हाँ जी, हाँ जी, कोई ऐसा आदमी नहीं खा रहा। आप टमाटर बता रहे हैं सबको, अदरक बता रहे हैं, कुछ भी शिमला मिर्च सब कुछ बता रहे हैं भैया। ये तो भैया डब्बों की बात हो गई, ये बॉक्सेस। अजय खोलिए बेटा, मैं आपको इसके अंदर, ये तो भैया बड़ा बॉक्स है ना जैसे भी। हाँ, खोल बेटा। तो यानी जो मेन बात है आपने कि 20% अब की बार रेट कम है। रेट कम है भैया 20%। अब ये देखिए भैया क्या कलर है, क्या क्वालिटी है भैया। ये देखो इसमें भी क्या ओस की बूंदें, तो देखो कितनी ओस की बूंदें इसमें बिल्कुल जैसे फ्रिज से आए हुए। हाँ, तो भी फ्रिज से आए, ऊपर आप जाओगे तो स्वर्ग है। अच्छा, ये कौन से इलाके का जी? ये भैया ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के ही माल है। अच्छा, कोई कोटगढ़ के हैं, कोई ननखेड़ी के हैं, कोई कोटखाई के माल हैं। अच्छा, अब जैसे ये तो मोटा माल हो गया भैया। हाँ जी, इसकी कीमत भैया आप समझ के चलिए, ये तो मतलब अच्छा है ना, मतलब आपको 1100 से लेके 1600 तक ये माल बिकते हैं भैया। अच्छा, अब इसी का एक छोटा आता है बेटा, खोलियो। इसमें वजन कितना जी? भैया वजन कम से कम 27-28 किलो नेट वजन निकलता है भैया। अच्छा जी, हाँ। आप भैया इसी का वेट देखिए ना, कितना वेट है, पूरा प्रेशर है बिल्कुल। अब ये देखिए भैया, ये हमारे ये झारखंड बिहार उन सबका फोन आता है, छोटा माल चाहिए। हाँ जी, ये 6 लेयर है भैया। हाँ जी, हाँ जी, ये भी ठंडा तो पूरी मिलेगी भैया। हाँ जी, हाँ जी, तो भैया इसके अंदर वेट भी आप समझ लिए 28 से 30 किलो है भैया इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, 6 लेयर का रेट है जो भैया 800 रुपए से लेके कम से कम 1100-1150 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें हर तरह का माल मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे हो जाओ यार। तो इसमें भी वजन इतना ही निकलेगा जी भाई साहब? हाँ, 6 लेयर जो है अभी उसमें 30-1 किलो निकल जाता है। ये बड़े बक्से तो खाओ जी, और इनमें क्या? यही बड़े बक्से, वही मैंने आगे निकलवाया था। अच्छा जी, कमलेश, कमलेश, ये बड़े व्यापारी है, 402 का लाट है भैया। अच्छा जी, हाँ, यही इतने बड़े लोट आते हैं, तो इनको एक ही एक बंदा ले रहा है। यदि कोई आए कहीं मुझे 100 डब्बे चाहिए इसमें से, फिर ले लेते हैं भैया 100-100 भी जी। अच्छा जी, जो पूरा माल नहीं ले सकते वो 100 डब्बे भी ले सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुशांत, किन्नौर की डिटेल लेते हो? किन्नौर का मेरा काम नहीं है, मेरे भाई का काम है। एक बार आप पहले किन्नौर की डिटेल लीजिए, उसके बाद मेरे से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? दोस्त इधर आओ, आपका कैमरे पे इधर से लाइट नहीं पड़ रही, इधर से पड़ेगी जी। अब आपका चेहरा बिल्कुल ठीक आया जी। हाँ जी, तो क्या नाम है दोस्त जी? सुशांत है, मेरी फर्म है शिमला फूड कंपनी SCO। अच्छा जी, तो आपके पास किन्नौर का माल आता है जी? हाँ जी। तो कौन किन किन गांवों से काम करते हो जी आप वहाँ पर किन्नौर में जी? पांगी, तेलंगी, पुरबनी। हाँ जी, कल्पा, रोपा वैली। अच्छा, बहुत बीच बीच में रोपा वैली से भी आता है?
हाँ जी हाँ। कल्पा से आता है जी? बिल्कुल आता है जी। अच्छा जी अच्छा, पीओ से इधर सारे इलाके जो उसे मैक्सिमम माल मेरा ही आता है। अच्छा जी, सांगला वैली से भी आता है? नहीं, सांगला से थोड़ा बहुत कोई आता है, पर सांगला से मेन। अच्छा जी अच्छा, हिमाचल से ही? हाँ जी। अच्छा जी, आप प्रॉपर हिमाचल से? कौन से गाँव से जी? शिलारू से। अच्छा जी अच्छा अच्छा, नारकंडा शिलारू। आगे में हाइट से कहाँ से आता है? जैसे पू से, चांगो से, इधर से भी आता है जी? वो बाद में भी शुरू होगा। हाँ जी, वो तो बाद में होता है। एक्चुअली किसानों के डायरेक्ट माल किसी के नहीं आते, मोस्टली ठेकेदारों के माल होते हैं। हाँ जी, किसानों के माल जो है वो समझो रोपा वैली तक ही आते हैं। अच्छा जी अच्छा, उसके तो बाद में व्यापारियों के आ जाते हैं? उसके ऊपर जितने भी आएंगे वो व्यापारियों के माल, खरीदारी के माल होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब। फिर आज आ गए आप सामने, तो ये रेट बता दो कि क्या क्या रेट चल रहे हैं, कौन से जेन्युइन जर्नल रेट जी? जेन्युइन रेट चल रहे हैं, डब्बों के रेट चले हैं, अच्छे डब्बे चले हैं 1000-1100। हाँ जी, और जो नॉर्मल रेट है वो डब्बों का 900-1000 है। और वेट कितना जी उसमें? वेट यही 11 किलो। अच्छा, 11.5 किलो होता है। अच्छा जी अच्छा, और जो बड़े बॉक्स हैं जी ये अपने? बड़े बॉक्स की रेंज है जी 1500 से लेकर 2000 तक बिक रहे हैं। अच्छा जी, तो बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉडिनरी है तो 2100 भी है, बाकी जो एवरेज बिक रहा है वो 16-17-18। ये जो आप बात कर रहे हैं किन्नौर की बात कर रहे हैं? किन्नौर का ही मेरे पास। किन्नौर के रेट में भाई साहब और अपना जो हिमाचल वाले जो नॉर्मल शिमला वाले रेट आ गए, इनमें कितने परसेंट का फर्क रहता है? ज्यादा खास फर्क नहीं है, ये जो 1800-1700 बता रहे हैं। हाँ जी, वो हमने 1500 रुपए तो 1600 रुपए तो हम भी शिमला बेच देते हैं। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, जो अब जो शिमला है ना भैया। हाँ जी, ये साउथ वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं या दूर की मंडी वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं? हाँ जी, जैसे मैं आपको यही खोल के दिखा रहा हूँ भैया। हाँ जी, अब आप देखिए भैया कितना हार्ड सेव है भैया। हाँ जी, तो इसको आप जहाँ की मर्जी मंडी करवाइए ना भैया। किन्नौर बेसिकली जो होता है इंडिया मतलब दिल्ली में ही ज्यादा और मुंबई में ज्यादा बिकता है। अच्छा जी, पास की मंडी में बिकता है। आप इसको भैया जहाँ की मर्जी मंडी करवा दीजिए। हाँ जी, इन सेबों की ये खासियत है इस समय। हाँ ये देखिए, हाँ जी, इसको आप प्रेशर आप चेक कीजिए, कुछ भी चेक कीजिए, स्टोर रखिए, कुछ भी कीजिए, जूस फुल जूसी बोलते हैं जिसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, किन्नौर में शाइन अलग होती है। अब जैसे ये कंपनीज भी जो माल रखती है 90% वो शिमला ही रखती है। अच्छा जी, जो है कम रखती है, दो वजह है, एक तो उसका छिलका पतला होता है। हाँ जी, पचिंग जल्दी हो जाती है। हाँ जी, थोड़ा उसमें वाटर कंटेंट भी कम होता है अंदर। हाँ जी, ये भी एक वजह है, और तीसरा वो थोड़ा महंगा भी होता है, तो जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो सेम ही आती है। हाँ जी, आप ये रखिए आप वो रखिए। हाँ जी, अगर आप 2000 का वो रखेंगे उस पर स्टोर कॉस्ट आपकी प्लस होगी, ये आप 1500 का रखेंगे स्टोर कॉस्ट प्लस होगी, तो बाद में जब बिकता है ऑलमोस्ट सिमिलर रेट होते हैं। हाँ जी, तो मजबूती इसमें रहेगी, सेफ ये ज़्यादा रहेगा। हाँ जी हाँ जी, वो जो है अब उतना उसमें आपको डाउटफुल है, वो सेफ रह भी सकता है नहीं भी रह सकता? नहीं भी रह सकता। बहुत अच्छी जानकारी दी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब जी। भाई साहब एक बार अपनी दुकान का एड्रेस बोल दो जी। मेरे दुकान का एड्रेस है D391। हाँ जी, D1258। हाँ जी, शिमला फूड कंपनी मेरी दुकान है, SCO ट्रेडमार्क है। हाँ जी, तो एक बार मोबाइल नंबर भी बोल दो। मोबाइल नंबर है 9818927272, सुशांत मेरा नाम है। धन्यवाद भाई साहब। ललित आनंद जी आपका कितना धन्यवाद करूं जी मैं, क्योंकि धन्यवाद तो देखो ना कि आपका पड़ोसी आड़तिया है और आपने उससे भी आपका भाई है। चलो जी, व्यापार में व्यापारी तो है जी, आपका भी व्यापार है, इसका भी व्यापार है, एक साथ रहने वाले 12 महीने। चलो दोस्त है जी, आपका चीज के लिए इनसे भी मेरी मुलाकात करवा दीजिए भैया। एक्चुअली मेरे पास देखिए किन्नौर नहीं, शिमला का ही बहुत ज्यादा रश है भैया। हाँ जी, आपके सामने भी सब लगा हुआ, वो आगे पीछे नहीं, कहने का मतलब आपके दिल की बात बताऊं कि आप आया और आपने तुरंत मिलवाया जी। बहुत एक्चुअली वो एक्चुअली इसके डब्बे उतरे में। अच्छा जी अच्छा, हाँ वो डब्बे देखने ही जा रहा था अपने भैया। अच्छा जी, हाँ तो वो दिख गया तो मैंने उसको बुला लिया। हाँ जी, मैं भी रेट आपको यही बोलता। हाँ जी, बट लेकिन जो बेच रहा है वो ज्यादा आपको अच्छे तरीके से बता सकता है। बस आप यही आपके अंदर खूबी है जी। हाँ, चलो थैंक यू भैया, खूबी तो आपके अंदर है भैया। हाँ जी, जो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एक एक बारीकी से सबको रेट बता रहे हैं भैया। आप ये बताइए ना, ये सेब वहाँ से पैक होके आया है, व्यापारी तो कोई साथ आता नहीं भी है। हाँ जी हाँ जी, आज आप उनको सब बता रहे हैं इसके अंदर कितना मजबूती है, कितना नहीं है। हाँ जी हाँ जी, उसके अलावा आप सोचिए, एक व्यापारी हमारे अपना तिरुपति से आए हुए थे भैया। हाँ जी, कल हैदराबाद से व्यापारी मिलने आए हुए थे हमारे से। अच्छा जी, लोगों का रुझान होता है मंडी आने का। अच्छा, आप समझिए। हाँ जी, वो घर बैठे उन्हें पता तो लगता नहीं ना भैया क्या है। हाँ जी, अब वो देखेंगे यार इतने प्रेशर वाले माल आ रहे हैं। हाँ जी, और क्या रेट बिक रहे हैं, 1300 से 1500। अच्छा, बस एक मुझे छोटी सी बात बता दो जी भैया जी, आपने मैंने आपकी वीडियो आजादपुर मंडी में भी बनाई। हाँ जी हाँ जी, और यहाँ भी बनाई। हाँ जी हाँ जी, तो सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा बता दो, क्या मेरी वीडियो बनाने से कोई नए व्यापारी जो पहले सेब का काम नहीं करते थे, वो उनका क्या रुझान बढ़ा? भैया बहुत लोग आते हैं, मैं कल ही की बात बता रहा हूँ, हमने तो उनको यहाँ नहीं बुलाया, गुड़गांव से एक लड़के का फोन था। हाँ जी, वो कहता मैं स्टार्टअप नया करना चाहता हूँ कि अपने आसपास सोसाइटीज में यहाँ से जैसे ऑर्गेनिक एप्पल या अच्छे एप्पल जो है, हाँ जी, लेके वहीं मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ जी, क्योंकि वहाँ मिलता है उनको किन्नौर का 200 रुपए किलो। हाँ जी, यहाँ 110 रुपए किलो, अगर वो 140-150 भी बेच देगा तो उसको प्रॉफिट है। हाँ जी, बट मैंने उसको समझाया यहाँ आप 2-3-4 नक्के लिए नोएडा से यहाँ आओगे भैया, हाँ जी, तो वारा ही नहीं खाएगा। हाँ जी, बल्क में लेने
वाले आए जो ऐसे व्यापार बिल्कुल आते हैं भैया, अगर हमारे पास नहीं आते, जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े खरीदार हैं, हाँ जी, जिसे आप पूछ रहे हैं 402 का एक ही आदमी लॉट लेके गया, तो एक ही आदमी लेके गए लॉट। अच्छा जी, आप समझिए, तो वो उनको कॉल करते हैं, हाँ सबके लिंक्स उनके साथ हैं, आप समझिए, हाँ जी, कि वो आज नहीं मंगा रहे तो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले या साल पहले माल मंगाते थे। अच्छा, तो उनको कॉल करते हैं, यार क्या पोजीशन है। और मैं सही में भैया, मतलब मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं आप कहता था कि आप वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं यार इसे कौन देखता होगा। हाँ जी, मतलब कौन तो देखता होगा, मैं समझता था कि नॉर्मल, हाँ जी, बट इतने बड़े बड़े व्यापारी आप लोगों के वो देखते हैं वीडियोस, हाँ चाहे हमारे किसान है बहुत बड़े बड़े या छोटे, हाँ किसान, बड़े मीडियम और आगे के भी जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, हाँ जी, सबके पास एक एक दाने की रिपोर्ट जाती है। अच्छा जी, एक सेब की बात नहीं है भैया, आप देखिए ना, आप हर चीज दिखा रहे हैं, हाँ जी, टमाटर, शिमला मिर्च, कश्मीर का सेब है या मौसमी है या अनार है, कुछ भी है भैया, हाँ जी, हाँ जी, आप एक घर बैठे हुए पता तो लगता है ना। हाँ, अब ये एंड यूजर्स के लिए रेट नहीं होते कभी भी, आप समझिए भैया, हाँ जी, अब जो ये हमारे से ले गया कुछ, देखिए वो अपना कमीशन लगाएंगे भैया, हाँ जी, खर्चा भी काम नहीं करेगा ना, हाँ जी, अब हमारे को इतनी बल्क पेमेंट कोई देगा, हाँ जी, 6-7 लाख की पेमेंट देगा तो वो भैया महीने में बेचेगा, 10 दिन में बेचेगा, 15 दिन में, तो आराम आराम से बेचेगा। तो जो जो हाउस होल्ड यूजर्स हैं वो इसके साथ प्लीज कंपेयर मत कीजिए, हाँ जी, ये भी मैं तो एक बात बोलूंगा, ताजा सेब आ रहा है, सेब खाइए, सब सेब क्या, सारे ही फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं भैया, हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर, सब कुछ है भैया, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट कोई भी हो खाना चाहिए, खाना चाहिए, और खासकर अपने हिंदुस्तान का कोई भी, बिल्कुल ज्यादा सब्जी कोई भी हो, सब्जियां पूरी खानी चाहिए, हाँ जी, आज हमारी इकोनॉमी सब हम फार्मर्स पे ही डिपेंडेंट है भैया, हाँ जी, आज हम सेब खाएंगे या कोई भी सब्जी खाएंगे, इनडायरेक्टली पैसा वहीं जाएगा भैया, हाँ जी, हाँ जी, और जितना किसान मेहनत करते हैं, आप खुद एक किसान है, आपको पता है 12 महीने कितनी मेहनत होती है भैया, हाँ जी, हाँ जी, हम लोग नहीं कर सकते वो मेहनत, यदि कोई सब्जी फ्रूट ना खाए ना और अपने पैसे बचाए तो इतने पैसे नहीं बचा सकता जितने लास्ट में वो डॉक्टर को दे देगा भैया। आज 400-500 रुपए की टैबलेट की 10-10 की गोलियां आती है, इसमें कैल्शियम होगी, हाँ जी, विटामिन B12 होगी, हाँ जी, हाँ जी, आप तो खुद एक किसान है, आप बताइए ना कितना मुश्किल है भैया सब्जियां उगाना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जी, हाँ, तो बस यही है, सब लोगों से अपील है भैया, दबा के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएं, हाँ जी, उनका भी अच्छा होगा, हाँ जी, हमारा भी अच्छा होगा और हमारे किसानों का भी अच्छा होगा भैया, हाँ जी, सबसे बड़ी कीमत जो है मैंने जानती है कि जिसका स्वास्थ्य ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी कमाई वो ठीक ही रहेगा भैया, हाँ जी, आप समझिए आजकल लोग सैलेड ये वो सब कितना खाते हैं भैया, लोग तो हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं भैया कोरोना के बाद से, हाँ जी, एप्पल्स में अभी भी बीच में मेरा फोन बज रहा है, अभी मेरे को 4 डब्बे लेके जाने हैं किसी के लिए भैया, हाँ जी, इतना एप्पल लोग खाना शुरू हो गए हैं, या कोई भी चीज भैया बहुत लोग खाना शुरू हो गए हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी, एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, मेरा नाम भैया ललित आनंद है, हमारी फर्म TSN पड़ती है भैया, हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9811050300, और प्लीज कोई भी मुझे फोन करे मना नहीं है, मैं एक बार काटूंगा, आप दोबारा शाम को कॉल कर लीजिए, हाँ, सुबह 9 से 12 फोन मत मिलाइए, हाँ जी, प्लीज उसके बाद जब मर्जी फोन मिलाइए, मैं अवेलेबल हूँ। एक बार मोबाइल नंबर दोबारा बोलो, 9811050300, 9811050300, इजी नंबर है, ठीक ठीक, थैंक यू भैया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दिल्ली फ्रूट मार्केट, मैं तो कभी दोस्तों दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब बोली जाता हूँ जी, शुरू में भी लास्ट में भी।